फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने फोन का स्टोरेज खाली करना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। मोबाइल फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट कर देने, जिससे आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में जितने भी फालतू के ऐप हैं, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के आपको अनइंस्टॉल कर देना है, इससे भी आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाता है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग देखने को मिल जाएगी, तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपने फोन के ना गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। गैलरी के अंदर देखिए, राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है, आपका एक पेज आएगा, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद किया हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके आपको इस बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी ऐप्स में से भी बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, ऐप्स की बैकअप सेटिंग को मैं इसलिए बंद करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है तो इससे हमारे फोन का इंटरनल स्टोरेज जल्दी फुल हो जाता है, इसलिए आपको इन बैकअप सेटिंग को बंद रखना है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज भी खाली रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड ना ये ऑप्शन मिलेगा, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है, आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज भी खाली हो जाएगा। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है, आपके फोन में जो भी बाकी का डेटा बचा हुआ उसका आपको बैकअप ले लेना है अपने फोन में, और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा, ठीक है।